हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो राधे राधे। और ये जो वीडियो है तो ये मेरा नवरात्रि के पहले का है। तो मतलब कि मैं वीडियो तो बनाई थी लेकिन क्या था कि मैं अपलोड नहीं कर पाई थी किसी कारणवश। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बोल दूँ कि वीडियो जो है हमारी लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी आज मालपुआ। तो मालपुआ बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा आटा लिया है और थोड़ा सा रवा लिया हुआ है और शक्कर डालकर, आटा रवा शक्कर तीनों चीज़ों को मैं मिक्स करके और इसमें एक गिलास दूध से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको सान कर रख दूंगी भीगने के लिए। यानी ये फूल जाएगा, आधा एक घंटा फूल जाएगा, तब तक मेरा जो है मॉर्निंग वाला जो खाना होता है सब्जी रोटी, मतलब वो चीज़ें मैं मुझे तैयार करनी है क्योंकि पतिदेव अभी ऑफिस नहीं गए हैं तो उनके लिए मुझे लंच तैयार करना है। तो मैंने कहा, मतलब कि मेरा क्या था कि काफ़ी दिनों से मेरा मन हो रहा था बनाने का लेकिन मैं टालती जा रही थी, तो आलस के मारे में बना नहीं पा रही थी। तो इसी वजह से मैंने कहा कि आज मैं इसको पक्का बना कर रहूँगी। तो इसको पहले मैंने मिक्स करके इसको एक साइड कर दिया और फिर इसके बाद मैं अपना खाना रेडी करूँगी। एक तरफ हमारी सब्जी हो रही है, मैंने आलू की भुजिया सब्जी बनाई है आज, कुछ भी नहीं डाला, केवल जैसे कि भुजिया एकदम सिंपल सब्जी होती है ना इसमें, तो सेम वैसे ही है। तो ये हमारी आलू की सब्जी रेडी हो रही है और एक साइड अब मैं सेक लूँगी, रोटी सेकूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आटा लगा लेती हूँ। सन गया तो अब मैं फटाफट से रोटियां सेक लेती हूँ। तो रोटियां सेकने से पहले मैं क्या करती हूँ, नीचे जो है पेपर बिछा लेती हूँ ताकि जो भी सूखा आटा है जो भी गिरे तो इसी में गिरे और बाहर ना गिरे। तो वैसे क्या होता है कि बाहर अगर गिरता है तो साफ थोड़ा सा कम करते बनता है और ऐसे कागज़ में होता है कि आप उठाओ और झाड़ कर, मतलब एक किनारे कर दो। तो यहाँ चलिए फटाफट से मैं सेक लेती हूँ रोटियां क्योंकि अभी मुझे बनानी है मालपुआ।
और यहाँ पर सबसे पहले मैं सब्जी रोटी निकाल ले रही हूँ, क्योंकि हमारे कान्हा जी के लिए भोग के लिए भी जाएगा और सबसे पहले तो रोटी हमारी निकलती है गाय माता के लिए, तो वो मैंने निकाल कर अलग कर दी है। और प्लेट में जो सब्जी है उसके साथ रोटी रखकर अपने कान्हा जी को मैं भोग लगा दूंगी और फिर इसके बाद पतिदेव को दूंगी खाने के लिए। तो चलिए फटाफट से, और यहाँ पर हमारी रोटी सिक गई, पतिदेव ऑफिस चले गए और अब मैं आ गई हूँ, किचन साफ़ कर ली हूँ। लेकिन अभी गाय माता हमारे यहाँ नहीं आई है तो रोटी रखी हुई है, तो जब गाय माता आएंगी तो रोटी खिला दूंगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरी जो है उसको कद्दूकस कर लिया है, तो ये देखिए ये इस तरह का बेटर हमारा बना हुआ है। तो और इसमें मैंने गरी भी मिला ली है, आप मतलब कुछ भी आप चाहे तो मिला सकते हैं। गरी मिलाई है और इलायची मैंने मिलाई थी, ये दोनों चीज़ें इसमें मिला ली है। तो और ये ले ली अपनी फ्लैट वाली कढ़ाई, और इसमें स्टार्टिंग में तो जब मैंने डाला ना तो मैं तो खुद ही डर गई। हुआ ये कि इसमें मुझे लग रहा था कि रवा हल्का सा ज़्यादा हो गया था क्या, लेकिन कुछ भी नहीं, बाद में ये सही निकल आया था। लेकिन फर्स्ट टाइम पहली बार जब मैंने डाला तो ये थोड़ा सा छितर गया है ना, छितर गया, तो उसकी वजह से मैं डर गई थी कि मेरा मतलब बेटर जो है ये ख़राब हो गया है। पहले मैं क्या बनाती थी तो इसमें रवा नहीं डालती थी, केवल प्लेन आटा या प्लेन मैदे का बनाती थी, लेकिन अब की मैंने थोड़ा सा रवा डाल के ट्राई किया है। मैंने कहा ज़रा सा डाल कर देखती हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे बताया था तो उसी हिसाब से मैंने बनाया, तो लेकिन ये सही उतरा बाद में, लेकिन पहली बार में जो है ये हमारा जो है छितर गया। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ। और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मालपुए में रवा पड़ता है कि नहीं पड़ता है। फिलहाल मुझे किसी ने बताया था तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फटाफट से मैं अपने मालपुआ को तैयार कर लेती हूँ। मालपुए जो है आप लोगों को देखने में कुछ काले काले से जले जले टाइप में लग रहे हैं, लेकिन ये जले बिल्कुल भी नहीं हैं। ये देखने में लग रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये जल गया, लेकिन ये जला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जला होता तो ये कड़वा आता, लेकिन इसका हेलो टेस्ट गाइस, काफ़ी गुड अच्छा लग मॉर्निंग, रहा था। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा बन गया है मालपुआ, और दरअसल मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही, तो पहले जब मैंने बनाया था वो थोड़ा सा छितर सा गया, तो लेकिन बाद में जितने हैं सब सही उतरे हैं, है ना, तो बन गए हैं। अब जा रही हूँ मैं टेस्ट करने, भगवान जी को भी भोग लगा दिया है, तो क्योंकि आज मैंने आलू प्याज की सब्जी बनाई थी, काफ़ी दिनों से मेरा मन हो रहा था कि इस तरह की सब्जी बनाऊँ, लेकिन होता क्या था कि भोग लगाने के चक्कर में मैं बना नहीं पाती थी। तो हमने कहा चलो ठीक है, आज बना लेते हैं, और जो मालपुआ बनाऊंगी वो भगवान जी को मैं भोग लगा दूंगी। तो बन गया है, तो चलिए अब थोड़ा सा खा पी लेते हैं और फिर इसके बाद काम करते हैं, क्योंकि सारा काम तो मेरा पड़ा हुआ है। ये देखिए सारे बिस्तर अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, अभी तो सारा काम ही पड़ा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही टेस्टी, यानी कि एकदम सुपर बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। आप सोच रहे होंगे अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे
क्या करूँ, और कोई यही नहीं जिसको मैं खिलाऊं, तो मैं खुद ही खुद खाकर खुद को मतलब आप लोगों को बता रही हूँ। और इसकी जो ये साइड वाली है ना, ये बहुत कुरकुरी हो गई है। और अब आ गई है गाय माता, तो चलिए इनको फटाफट से रोटी खिला देती हूँ। और आज की वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।